एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी. मेरा नाम है सीप पाउजा एंड टुडे आई हैव ब्रॉट वेरी बिग न्यूज़ जिसका आप सबको इंतजार था कि यार नीट 2023 का एग्ज़ाम कब होगा. मैंने आपको पहले ही बता दिया था यार एग्ज़ाम इस बार डिले नहीं होगा और वैसा ही आता हुआ निष्कर्ष दिखाई दे रहा है. आज सुबह ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है जिसके अकॉर्डिंग जो हमने सोचा था वैसा ही होने वाला है, कुछ भी डिले नहीं होने वाला है. सो द आर्टिकल स्टेट्स दैट JEE Mains 2023 application they are going to start next month, जो कि कल ही स्टार्ट हो रहा है, नवंबर में स्टार्ट हो रहा है. देखिए अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि एग्जाम का जो स्केड्यूल है वो वैसे ही चलेगा जैसे पैंडेमिक से पहले चलता था. मतलब कोविड के टाइम पे नो डाउट बहुत डिले हुआ. पहली बारी जो नीट का एग्जाम है वो सेप्टेम्बर में हुआ, देन जुलाई में हुआ, तो ये डिले चलता गया. कई बार एक बार तो नीट का एग्जाम दो बारी करना पड़ा, JEE का एग्जाम चार बारी करना पड़ा. लेकिन अब फॉर्चुनेटली द पैंडमिक इज नाउ ओवर. अब कोई पॉइंट नहीं बनता कि हम किसी भी एग्जाम को बिना किसी वजह के डिले करें. तो अब जो कैलेंडर है तीनों एग्जाम का, JEE मेन्स का, CUET का और नीट UG का, ये फॉलो करेगा प्री पैंडमिक टाइम्स को, यानी कि जैसे पहले होता था. अब पहले कैसे होता था, बिल्कुल वैसे ही होगा. अगर मैं बात करूँ JEE मेन्स की, JEE मेन्स बेटा दो बार ही होगा, चार की जगह मिड जनवरी और अप्रैल के बीच में, जैसे पहले हुआ करता था. इसके बीच में कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम 15th ऑफ फेब के बाद स्टार्ट हो जाएंगे. यानी कि एक सेशन JEE मेन्स का बोर्ड एग्जाम से पहले और एक सेशन JEE मेन्स का बोर्ड एग्जाम के बाद. देन बात करते हैं CUET. CUET एक नया एग्जाम है जो लास्ट ईयर ही प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है UG कैटेगरी में. ये जो CUET है ये अप्रैल के थर्ड वीक में, यानी कि बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद आपको एक महीना तकरीबन मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए. एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर गेटिंग एडमिशन इन टू द वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं. देन आते हैं अपने काम के एग्जाम पे, दैट इज नीट UG. नीट UG बेटा पहले भी कब होता था, मे के फर्स्ट संडे को होता था. और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी दे आर सेइंग दैट नीट UG जो होगा वो मे में ही होगा एंड दे आर सेइंग फर्स्ट संडे होगा. मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी, फर्स्ट संडे की जगह बेटा इट कैन लाई बिटवीन फर्स्ट संडे ऑफ मे टिल फर्स्ट संडे ऑफ जून, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, नॉट नेसेसरी कि पहले ही संडे को होगा. यानी कि आप मे को एज अ टेंटेटिव मंथ सोच सकते हैं कि इस मंथ आपका एग्जाम होगा. डिले हुआ तो थोड़ा सा जून में, जून के फर्स्ट संडे तक, बस इससे ज्यादा नहीं होने के चांसेस हैं. अब अगर एग्जाम इस कैलेंडर को फॉलो करता है दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है. JEE मेन्स का तो बेटा नवंबर, यानी कि कल जो नया महीना शुरू हो रहा है नवंबर 2022 में ही आ जाएगा जनवरी वाले का. लेकिन अगर बात करें CUET और नीट UG की, CUET बेटा फरवरी 2023 में इसके फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी. नीट UG सिंस मई में होना है तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन बेटा स्टार्ट होंगी आपके मार्च 2023 में एज पर द आर्टिकल. और ये कुछ ठीक भी है बिकॉज इतना टाइम लग जाता है एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, एडमिट कार्ड आने में, पूरा तैयारी करने में. ठीक है, अब ये तो चलो हमें पता चल गया कि नीट के एग्जाम में कोई देरी नहीं होने वाली है, तो यार अब क्या किया जाए. अब तो पानी यहाँ तक आ चुका है, हमेशा बोलती हूँ पानी बेटा नाक तक आ चुका है. अब अगर हम नहीं सुधरे, अब अगर हमने अपनी जो बुरी आदतें हैं, जो डिस्ट्रैक्शन हैं, उनको कम नहीं किया, तो यार सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पिछले साल 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था. इस साल देयर इज एन एस्टिमेट कि 18 to 20 lakhs तक ये नंबर जा सकता है. तो यार इस साल चीजें आसान नहीं होंगी क्योंकि टाइम भी एक तरीके से कम मिल रहा है. पिछले साल का पेपर जुलाई में हुआ, अगले साल का पेपर में एक साल भी नहीं है, आपको मई में ही वो पेपर देना पड़ेगा. टाइम कम है, एप्लीकेशंस बढ़ चुके हैं, नो डाउट थोड़ा सा सीट्स में भी इजाफा हुआ है, बट स्टिल कॉम्पिटिशन इस साल बहुत हाई होने वाला है. और बचे हैं मेरे पास चंद कितने, 6 महीने. 6 महीने से ज्यादा तो मैं ले ही नहीं सकती, यानी कि हमारे पास तैयारी करने के लिए कितना टाइम बचा है, 6 महीने बचे हैं. तो कैसे इंश्योर किया जाए कि मैं नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके 610 से ऊपर नंबर ले लूं ताकि कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मना ना कर पाए एडमिशन लेने के लिए. सबसे पहला टारगेट बेटा, 6 months लेफ्ट है आपके पास, सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि यार मैं सिलेबस कंप्लीट करूं. जो बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तरीके से सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, वो आर स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी उनके 3-4 units ही हुई हैं एंड दे हैव यू नो मेनी पेंडिंग यूनिट्स लेफ्ट. तो पहला टारगेट एक प्रॉपर ट्रैकर बनाओ, उस ट्रैकर में आप लोग लिखोगे सारे चैप्टर्स के नाम. सारे चैप्टर्स के आगे बेटा आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा कि क्या मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो आता है आपके सिलेबस कंप्लीशन में. तो पहली चीज आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे पूरा फोकस करेंगे. अब ये सिलेबस मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ, सबसे पहली चीज बेटा मेरा नया बैच आ रहा है जिसमें मैं फास्ट ट्रैक मोड में आपको सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ. इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच. 4th of November से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. कोड क्या लगाना है, सीप लाइफ. ऑफर बहुत अमेजिंग चल रहा है इसमें. 6 months की सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 months का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. और आपको पता है 6+1 बस इतना ही टाइम है,
प्लस टू की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप एक तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच जहाँ पर कंप्लीट आपका सिलेबस कवरेज रहेगा। दूसरा, इफ देयर इज सम इशू कि हम मैम नहीं अफोर्ड कर सकते या वट एवर इज द इशू, आप अगर इसमें नहीं ज्वाइन हो सकते तो बेटा रेगुलर मेरी लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे, आप उस लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बैच का नाम है समर्थ बैच। रोज बेटा तकरीबन 4 बजे हम लोग मिलते हैं टेलीग्राम पे, आप मेरे से अपडेट ले सकते हैं, वहाँ सारी पीडीएफ में शेयर करती हूँ, वहाँ से जाकर अपना लाइव सिलेबस कंप्लीट कीजिए साइमल्टेनियसली। अब एक लेक्चर लगाने से तो बात नहीं बनेगी ना, साइमल्टेनियसली आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए कोई रेपोजिटरी चाहिए। सो दिस इज द रेपोजिटरी फॉर यू, दिस इज द लिंक ट्री। ये क्या है बेटा, मेरा लिंक ट्री है। मैंने लिंक ट्री पर अपने बेस्ट लेक्चर 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी एंड अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उसका, क्रैश कोर्स अभी नहीं करना है वैसे तुम्हें, तुम्हें अभी इन दोनों को ही फॉलो करना है, तो आप लिंक ट्री से ले सकते हैं। लिंक है linktr.ee/seep.pahuja, ठीक है। बस जाइए वहां पर, खोलिए। जब आप 11th का खोलेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, सारों के L1 L2 लिखे हुए हैं। आप L1 पे क्लिक करो, उसका सेशन देखो, PDF का भी साथ लास्ट में आप देखेंगे, PDF का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। देन बेटा कमिंग टू 12th क्लास, 12th में भी इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर है। तुम्हारा जो जो बैकलॉग है ना, जो अगर लाइव में नहीं चल रहा है तो बेटा यहाँ से कंप्लीट करो, इससे बेस्ट लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स, NCERT बेस्ड लेक्चर्स तुम्हें नीट में नहीं मिल सकते। और अगर तुम कोई ऐसे बच्चे हो जिसका बहुत बार सिलेबस हो चुका है एंड हु इज स्कोरिंग 620-630 इन ऑलमोस्ट एवरी मॉक टेस्ट, फिर उस बच्चे को सिर्फ रिविजन चाहिए और वो वन शॉट से भी कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। जो बच्चा ऑलरेडी काफी अच्छा स्कोर कर रहा है बेटा, वो वन शॉट से कर सकता है, तो वो मेरा क्रैश कोर्स वाला पोर्शन अटेंड करे लिंक ट्री से, ठीक है जी। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, एक आप प्लस बैच में आ सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स बेटा कंप्लीट होगा, और मेरी डेली यूट्यूब क्लास बेटा अटेंड कीजिए, ठीक है, यस एट 4 PM। दूसरी चीज, अब मान लीजिए आप सिलेबस कंप्लीशन में काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मॉक टेस्ट पे भी 100% फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी थ्योरी थ्योरी, नॉलेज 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 इज नथिंग, यू नीड टू फोकस ऑन द मॉक टेस्ट। तो यार मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए फॉलो माई प्रोफाइल ऑन Unacademy, वहां पर बेटा मैं लेती हूँ स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस से आप तैयारी कर सकते हैं और बेटा एक अच्छी टेस्ट सीरीज में एनरोल तो हो ही। जो तो बच्चा प्लस में आ रहा है उसको मॉक टेस्ट की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हर संडे वहां पर टेस्ट होता है, हर मंथली हम एक मेजर टेस्ट भी लेते हैं, तो दोनों चीजें आपकी क्या रहती है, रिजॉल्व रहती है। लेकिन अगर बात करें जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है उस चीज को, तो यार वो स्पेशल क्लासेस में जाकर उन मॉक टेस्ट को दे, या तो कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल होना बेटा मस्ट है। बिना टेस्ट सीरीज के सिर्फ पढ़ाई करने से आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते, आप नीट के लिए 100% प्रिपेयर्ड है ही नहीं। और मैं एक बात बताऊं, सिलेबस में बेटा कहीं नहीं दूर जाना है, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है आपको, NCERT। आप देख रहे हैं जो मेरा समर्थ बैच चल रहा है, हम कैसे NCERT की एक एक लाइन उसमें यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। आप प्लस बैच में आइए, प्लस में आपको एक एक लाइन NCERT की मैं लर्न करवा दे रही हूँ। तो कोई भी बच्चा NCERT से बाहर बायो में तो जाएगा ही नहीं। दिस इज द ओनली एंड ओनली मंत्रा टू स्कोर 350 प्लस इन बायोलॉजी। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और बस PYQs तुमको सॉल्व करने। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो PYQs और NCERT बेस्ड क्वेश्चन पे तुमको फोकस करना है। अगर आपने ये चीज रिलीजियसली अगले छह महीने कर ली और अपना सिलेबस इन 4 महीने में कंप्लीट कर लिया, एक राउंड ऑफ रिवीजन लगा लिया, 2 राउंड ऑफ रिवीजन लगा लिया बचे हुए 2 महीनों में, बेटा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें नीट क्रैक करने से रोक पाए, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है। यू विल सक्सीड एंड यू विल सक्सीड, यू हैव टू सक्सीड बिकॉज यू आर फॉलोइंग द करेक्ट गाइडेंस, यू आर फॉलोइंग द करेक्ट पाथ। बस एक चीज याद रखना, जो ये डिस्ट्रैक्शन है ना, इनसे दूर रहो, लाइफ में ये 6 महीने दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हारी गेमिंग, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फोन, इंस्टाग्राम रील्स, हीरो हीरोइन, वेब सीरीज, ये सब लौट के आ सकता है, बट ये 6 महीने वापस नहीं आ सकते। और ये सबसे क्रूशियल है तुम्हारी पूरी लाइफ को डिसाइड करने के लिए। देखो एक टर्निंग पॉइंट है, अब इस टर्निंग पॉइंट पे तुम अपने आप को जो फीड करोगे वैसा ही जिंदगी तुम्हें देगी। तुमने अगर अपने आप से हार्ड वर्क लिया, बहुत परसिवरेंस ली, बहुत परसिस्टेंसी दिखाई, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई, तो बेटा रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा। अगर तुम ढीले पड़े, बताया था पानी खतर था, तो ढीले पड़े बेटा पानी जब नाक को क्रॉस किया सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि तब क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब तक नहीं संभले हो तो अब संभल जाओ, इसके बाद अब कोई समय नहीं आएगा। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, बिकॉज everyone शुड नो कि जो स्केड्यूल है वो पहले के हिसाब से है, नए हिसाब से नहीं है। दूसरी चीज बेटा,
जो भी डिसीजन लेना है, लक्ष्य बैच में आना है, लक्ष्य बैच में आइए, समर्थ को फॉलो करना है यूट्यूब पे, समर्थ को फॉलो कीजिए, लेकिन प्लीज मेक योर डिसीजन एंड टेल दैट डिसीजन टू मी इन द कमेंट बॉक्स। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आज मैं अपनी कौन सी बुरी आदत, बुरी डिस्ट्रैक्शन छोड़ने वाला हूँ, सो दैट आई कैन मेक माई प्रेपरेशन टू दैट लेवल जिससे मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज ले पाऊँ। थैंक यू सो मच।